बमहिया गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार कर पंचकुला पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने उससे 7 पिस्तौल बरामद की। आरोपी से 72,000 रुपए भी मिले। आरोपी की पहचान बरवाला निवासी विक्रांत उर्फ चिंटू के रूप में हुई है। विक्रांत के खिलाफ केस दर्ज कर चंडी मंदिर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पंचकुला DCP क्राइम निकिता खट्टर ने बताया कि आरोपी विक्रांत को पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर बरवाला बाईपास कट के पास से दबोचा गया। बमहिया गैंग से गुरजंट, प्रिंस, काला राणा, भूपी राणा सहित कई गैंगस्टर जुड़े हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि पटियाला जेल में विक्रांत की मुलाकात गैंगस्टर भूपी राणा से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद भूपी राणा ने विक्रांत को व्हाट्सएप कॉल कर पिस्तौल की सप्लाई करने को कहा। इसके बाद वह 10 पिस्तौल लेकर आया और उसमें से 3 पिस्तौल 3 अलग अलग अपराधियों को दे दिए। बाकी बचे 7 पिस्तौल भी अन्य अपराधियों को देने वाला था। अब पुलिस इसका पता लगाएगी कि विक्रांत ने 3 पिस्तौल किसे दी और बाकी किसे देने वाला था। खास बात यह है कि विक्रांत बरवाला में फास्ट फूड की रेहड़ी लगाता था, उसी के आड़ में वह हथियारों की सप्लाई का काम करता था। रेहड़ी पर ही हथियारों की डील होती थी। ग्रोह को पकड़ा है, क्या ये पूरी जानकारी उसके बारे में बता दीजिए। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच 19 को अवैध असलों को रिकवर करने में बहुत अच्छी सफलता मिली है। इन्होंने रिकवर किए हैं 7 कंट्री मेड वेपन और 72,000 रुपये कैश। और ये सब रिकवर हुआ है एक 22 साल का लड़का विक्रांत, उससे। विक्रांत रहने वाला है बरवाला का और बरवाला में ही एक फास्ट फूड की शॉप चलाता है। और विक्रांत ने प्रारंभिक जांच में ऐसा बताया है कि वो भूपी राणा के लिए काम करता है। भूपी राणा से ही ये जेल में इसकी मुलाकात हुई थी और उसके करीब 1 साल पहले, और तब से ही ये उसके साथ एसोसिएटेड है। और भूपी राणा के कहने पर विक्रांत को 10 असले मिले थे। और अगेन भूपी राणा के डायरेक्शंस पर उन 10 असलों में से 3 असले विक्रांत ने किसी को हैंडओवर करे हैं, एक किसी लोकेशन डेराबसी रोड पर रखकर। और 7 असले ये अभी आगे इनके साथ रिकवर हो रहे हैं। तो ये जो असले प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, तो किसी अपराधी के लिए था, अपराधिक घटना के लिए था कुछ? यस, मोस्ट प्रोबेबली ये जो असले थे ये क्राइम के लिए यूज होने थे। और हमारे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम इसमें और डिटेल जांच करेंगे कि ये किसको पहुंचाए जाने थे और किस क्राइम के। क्या इस पर पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज है? जी हाँ, विक्रांत के ऊपर एक FIR और दर्ज है। बल्टाना में एक FIR है, एक होटल मालिक के साथ रंगदारी के मामले में एक FIR दर्ज है। और इसी में विक्रांत पिछले साल जेल भी गया था, जहाँ पर ही भूपी राणा से मिली। इससे पहले एक वेदा के क्लब के बाहर फायरिंग हुई थी, उस मामले में भी कुछ इसके लिंक है? हमें सस्पिशन जरूर है कि शायद इन लोगों का जो क्लब्स के बाहर फायरिंग हुई है पिछले महीनों में, उसमें कुछ रोल हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कंफर्म्ड हम अभी पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही बताते हैं। मैम, कुछ पता चला है कि असली कहाँ से इसने परचेज किए थे, किसको देने थे, क्या कुछ? ये जो असले थे ये भूपी राणा के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे और एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे प्रोवाइड किए गए थे, जो हम जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करेंगे। इसको गिरफ्तार किया गया, क्या ये असला सफाई करने जा रहा था या किसी वारदात को अंजाम देने के लिए फिराक में था? अभी तक हमारे को जो प्रारंभिक जांच में ये निकल के आया है कि ये किसी ये असला सप्लाई करने के लिए जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।